I consider this morally and constitutionally wrong. This is about BJP whenever it commits to some things in its manifesto, it has a track record of 100% fulfilling it. पता नहीं क्यों सीए का विरोधी इंडी गठबंधन विरोध कर रहा है. ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो एनआरसी हो. Let us be very clear, the CAA as a bill was what BJP whenever it commits to some things in its manifesto, it has a track record of 100% fulfilling it. A CAA was something that it had already said many years ago in its manifesto that it will do, and it has before the elections fulfilled its commitment, which it could not do so in the intervening 2 years because of COVID. CAA ko aap sirf CAA se nahi, CAA ko aapko NPR aur NRC se jod kar dekhna zaruri hai. Kya Amit Shah parliament mein mera naam lekar nahi kahe the OVCG NPR NRC bhi aayega? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा जब सीए भी था, बाद में सीडब्ल्यूए वो एक्ट हो गया, वो जब सीए भी बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है. तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो एनआरसी हो. 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं. अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीए को कानून के तौर पे लाया जाता है. ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया. उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं. हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं. क्यों? क्योंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है. आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है. आज महंगाई का दर बढ़ रहा है. तो मोदी जी और देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाय हमारे देश की युवाओं को नौकरी देना. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इनटू द प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप यू आर फाइंडिंग अ लॉ बीइंग ब्रॉट इन दैट एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट्स बाय एक्सक्लूडिंग पीपल ऑफ वन पर्टिकुलर फेथ. The rule is very simple. Anyone who has come to this country before the 31st of December 2014, who has sought refuge in this country from a neighboring country where they fear persecution, is eligible for citizenship. That's all that needed to be in the law. There was no need to specify which religions are eligible and thereby exclude people of only one religion. There is a pure communal message, a dog whistle, as they say, a whistle to some people saying your communal agenda is what we are pursuing. That is unacceptable to us. It is clearly timed 4 years after the passage of the bill just for the benefit, for their benefit in these elections. And I will say to you that I'm fully in support of the decision of the India Alliance's Indian Union Muslim League to go to the Supreme Court against this. देखिए आज की तारीख में देश के अंदर जो हमारे हिंदू समाज हैं, वो लोग जो विदेशों के अंदर हैं जहाँ वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए जाने के लिए अपने देश के अलावा और कोई देश नहीं है. और इसलिए हमारी जवाबदारी है कि उन लोगों को हम संरक्षण दें. जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके बेटियों को उठा के ले जाते हैं. अब पाकिस्तान में जब देश का विभाजन हुआ था, जब 30% हिंदू थे, आज 2-3% हिंदू बचे हैं.